भारी भलेड़ा आईपी स्कीम की जांच दोबारा शुरू हो गई है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की टीम ने आईपीएच की लंबलू स्थित दो पेयजल योजनाओं पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर तथ्य जुटाए। इस मामले में आईपीएच विभाग की एक जेई पर सरकारी पद पर रहते हुए लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। वर्तमान में ये जेई हमीरपुर से ट्रांसफर हो चुकी हैं। इस मामले में लंबलू पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ने करीब 3 वर्ष पहले विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद विजिलेंस ने मामले की तफ्तीश की। इस मामले की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एचसीएन आईपीएच एस के जसवाल, एसडीओ प्रदीप कुमार और जेई अनुज कुमार ने मामले की छानबीन की। लंबी छानबीन के बाद कमेटी ने पाया कि भारी भलेड़ा पेयजल योजना में वायरिंग के लिए विभाग ने ठेकेदारों को 1.03 लाख रुपए और चमनेड़ पेयजल टैंक की चौकीदार कक्ष में वायरिंग के लिए 21,270 रुपए का टेंडर अवार्ड किया था। इस कार्य में क्रमशः 60,057 और 19,662 रुपए की वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस ने धारा 420, 409, 120 बी और पीसी एक्ट 13 के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में कोर्ट में चालान पेश नहीं हो पाया है और न ही विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब इस मामले की दोबारा जांच शुरू हो गई है। उधर डीएसपी विजिलेंस बीडी भाटिया ने बताया कि विजिलेंस टीम आईपीएच विभाग की लंबलू स्थित दो पेयजल योजनाओं पर पहले से दर्ज मामले की छानबीन को लेकर गई थी। उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन चल रही है। और साथ में एसडीओ सिटी बोर्ड वाले यही साथ में थे और जिसकी कंप्लेंट की वो यहाँ पर ही सारी उसी इसमें ऐसे तरह ने बिल बूथ लगा दिए ज्यादा काम किया। काम कपड़ा बाजी और भी देर ये काम हुआ, आज आपने देखा कि उखड़ा पड़ा हुआ सारा काम, क्योंकि जाली काम हुआ है सारे जितने भी हुआ।